पंजाब में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से गेहूं की फसल को हुई नुकसान की स्थिति में किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद की शर्तों में ढील देने का ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर ये कहा है कि वे मंडियों में आने वाले सारे गेहूं को खरीद लेगी। जारी आदेशों के अनुसार खराब गुणवत्ता होने की स्थिति में 5.31 रुपये से 31.87 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। पंजाब सरकार ने केंद्र से कोई कटौती नहीं करने का अनुरोध किया था। सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब का दौरा किया। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सीएम मान श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अपग्रेड किए गए म्यूजियम का लोकार्पण किया। प्रशासन के आला अधिकारी समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम भगवंत मान ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन को समर्पित संग्रहालय का श्री आनंदपुर साहिब में उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि श्री आनंदपुर साहिब में धर्म के लिए और त्याग और बलिदान की अनूठी मिसाल, श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। ये संग्रहालय हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल खजाना होगा। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ पीएसपीसीएल के मोहाली स्थित कार्यकारी अभियंता कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यालय में उपभोक्ताओं से मुलाकात की और पीएसपीसीएल की सेवाओं के बारे में जानकारी ली। कई उपभोक्ताओं ने मंत्री के सामने अपनी शिकायतें भी रखी, जिसके बाद मंत्री ने शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। सोमवार को इसके औपचारिक रूप से घोषणा की गई। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कमाल कमाल, आप टीम कप्तान अरविंद केजरीवाल जी के सपनों को बधाई, करोड़ों टीम सदस्यों को बधाई, मेहनत रंग लाई, आपकी क्रांति का चश्मदीद गवाह भगवंत मान। इसी के साथ देश में अब 5 राजनीतिक दलों को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के करीबी पपलप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया। पपलप्रीत को सोमवार को अमृतसर के कथुनंगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पपलप्रीत सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अमृतपाल सिंह से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर इसी जेल में शिफ्ट किया गया था। ये कहा जाता है कि पपलप्रीत अमृतपाल का दाहिना हाथ था। वो लगातार अमृतपाल के साथ साय की तरह देखा जा रहा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमृतपाल के फरार होने के बाद 18 मार्च से 28 मार्च तक वो साथ रहे। इसके बाद वो अमृतपाल से अलग हो गया। दोनों को कई वीडियोज में साथ देखा गया। पुलिस के हाथ कुछ CCTV फुटेज लगे हैं जिसमें अमृतपाल और पपलप्रीत सिंह साथ नजर आ रहे थे। उधर अमृतपाल के करीबी पपलप्रीत को डिब्रूगढ़ भेजने के बाद पंजाब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पंजाब पुलिस ने कहा कि अमृतपाल की तलाश में
अब तक जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं वो सभी सही हैं और कई जगहों पर अमृतपाल और पपलप्रीत एक साथ थे। बता दें कि पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने कई ठिकाने बदले। इस दौरान पपलप्रीत साय की तरह अमृतपाल के साथ रहा, लेकिन जब पुलिस ने और ज्यादा शिकंजा कसना शुरू कर दिया तो वो दोनों अलग हो गए। लुधियाना के 29 थाने को फॉरेंसिक जांच किट मिल गई है। विभाग द्वारा जिले के सभी 29 थानों को फॉरेंसिक किट प्रदान की गई। पुलिस टीम का कहना है कि अब फॉरेंसिक जांच से जुड़े सबूत सुरक्षित रखे जा सकेंगे। ऐसे में पुलिस को अपराध स्थल से सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए फॉरेंसिक साइंस टीम पर निर्भर नहीं रहना होगा। पुलिस ने अपराध स्थल और सबूतों को रिटर्न रूप से सुरक्षित करने के लिए किट में पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क लगाए हैं। माना जा रहा है कि अपराध रोकने के लिए पंजाब पुलिस की हाईटेक होने की तरफ ये एक बड़ा कदम है। लुधियाना में देर रात लुटेरों ने कारोबारी का एक कत्ल कर दिया। मृतक का नाम मनजीत सिंह है। बताया जा रहा है कि कोचर मार्केट नजदीक मनजीत सिंह की मनी एक्सचेंजर की दुकान है। वो दुकान से एक्टिवा पर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे अपराधियों ने घेर लिया। तेज धार हथियारों से आरोपियों ने उस पर वार किए। खून से लथपथ मनजीत ने काफी शोर मचाया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसी का फायदा उठाकर आरोपी मनजीत से लाखों रुपए भी लूट कर फरार हो गए। हत्या और लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस ने इस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। संगरूर जिले के शेरो मॉडल टाउन के एक नौजवान की कार हादसे में मौत हो गई। नौजवान सिख रेजिमेंट में तैनात था और कुछ दिन की छुट्टी पर घर आया था। जब वो कार लेकर अपने दोस्त के साथ बाहर निकला तो उसकी कार एक पेड़ से जा टकराई और हादसे में उसकी मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पटियाला में हुए सड़क हादसे में एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। मामला चोरा मार्ग का है, जहां ऑटो में सवार होकर छठी क्लास में पढ़ने वाला दक्ष रोज की तरह स्कूल जा रहा था, तभी ऑटो का एक टायर गड्ढे में फंस गया। इसी दौरान एक बच्चा ऑटो से बाहर गिर गया और उसकी मौत हो गई। संगरूर की रहने वाली 93 साल की महिला सुरजीत कौर गरेवाल ने अपने 6 महीने के करियर में 6 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में मिसाल कायम की है। सुरजीत कौर गरेवाल ने राज्य स्तर पर 6 और नेशनल स्तर पर 4 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। सुरजीत कौर ने बताया कि 5 साल पहले उनकी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई थी, जिसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काफी प्रैक्टिस के बाद उन्होंने 100 और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने बताया वो रोजाना 1 घंटे प्रैक्टिस करती हैं। सुरजीत कौर अपनी जीत का श्रेय अपनी बेटी को देती हैं।